दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको डेमो दिखाना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद किस तरह की कार्टून पीएनजी, कार्टून स्टिकर या अपने खुद के फ़ोटो का व्हाट्सएप स्टिकर बना पाएंगे। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभी इसे बनाने के लिए आपको बस कुछ सिंपल स्टेप को फॉलो करना है जो कि मैं इस वीडियो में बताऊँगा। इन स्टिकर्स को बनाने के लिए आपको दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम मैं आगे चल के इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं और ओपन करते हैं अपना फर्स्ट ऐप। दोस्तों, इस ऐप के थ्रू सबसे पहले तो हम अपनी नॉर्मल फ़ोटो को कार्टून फ़ोटो में कन्वर्ट करेंगे। मेक श्योर आपकी जो फ़ोटो है वो थोड़ी जूम्ड होनी चाहिए, मतलब बड़ी होनी चाहिए। तो चलिए मैं कोई एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू ऐप पर क्लिक करना है और इस फ़ोटो को थोड़ा सा जूम कर लेना है और इस रेशियो में एडजस्ट कर लेना है और फिर थोड़ा सा आपको वेट करना है। आप देख सकते हो कन्वर्ट हो चुका है ये। आपको यहाँ से बैक करना है, इस ऐड को यहाँ से कट कर देना है और फिर यहाँ से अगर आप किसी पार्ट को इरेज करना चाहते हैं तो आपको इस इरेज़र पे क्लिक करना है और इसे ज़ूम करके ऐसे सिंपली इरेज कर सकते हैं आप। इतना करने के बाद यहाँ से आपको अप्लाई पे क्लिक कर देना है। आप नीचे देख सकते हैं बैकग्राउंड सिलेक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे बहुत सारे कलर दिए हुए हैं। आपको यहाँ से कोई लाइट कलर चूज़ कर लेना है, जैसे कि मैं ग्रीन बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि बाद में इसे क्रॉप करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब यहाँ से इसका स्क्रीन शॉट लेके आपको सेव कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसे अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो टून ऐप का वाटरमार्क यहाँ पर आपको शो होगा, इसलिए मैं स्क्रीन शॉट लेके इसे क्रॉप कर लेता हूँ। ओपन कर लेते हैं हम अपना दूसरा ऐप जिसमें हम इस फ़ोटो को क्रॉप करेंगे, फ़ोटो का रियल स्टिकर बनाएंगे या फिर आप पीएनजी भी कह सकते हैं इसे। इस ऐप को ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है और वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेनी है जो हमने कार्टून में कन्वर्ट की है और इस ऑटो पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो यहाँ पर क्रॉप हो चुका है पूरी तरह फ़ोटो। अब इस टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेना है, जो भी आप टेक्स्ट लगाना चाहते हैं। जैसे मैं लिख लेता हूँ हैप्पी होली और फिर यहाँ से आप इसमें शेडो लगा सकते हैं, यहाँ से इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स भी दिए हुए हैं, आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे स्टिकर बन चुका है। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर सेव पे क्लिक कर देना है। आपको न्यू फोल्डर बनाने के लिए इस न्यू पैक पे क्लिक करना है और उस फोल्डर का नेम दे देना है, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ माई स्टिकर और नीचे क्रिएटर का नाम यानी अपना नाम लिख देना है आपको और फिर यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, ये स्टिकर सेव हो चुका है। आपको नॉर्मली अब स्टिकर पे क्लिक करना है और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से शेयर कर सकते हैं या फिर अगर आप व्हाट्सएप में ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप व्हाट्सएप में भी इसे ऐड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसे व्हाट्सएप में शेयर करके मैं बता देता हूँ कि कैसे शेयर करेंगे इसे। तो ओपन कर लेते हैं अपना व्हाट्सएप। नॉर्मली आपको वो प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं और फिर इस इमोजी के आइकन पे क्लिक करना है। अब यहाँ से ब्लू वाले इमोजी के आइकन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड्स, जो हमने स्टिकर्स बनाए थे वो सारे स्टिकर्स यहाँ पे हैं। तो आप इसे नॉर्मली शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ व्हाट्सएप में। दोस्तों, जिन दो एप्लीकेशंस का यूज़ करके हमने इस स्टिकर को बनाया है उसमें से पहले एप्लीकेशन का नाम है टून ऐप, जिससे हमने अपने नॉर्मल फ़ोटो को कार्टून फ़ोटो में कन्वर्ट किया, और दूसरे एप्लीकेशंस का नाम है स्टिकरली, जिससे हमने उन कार्टून फ़ोटो का स्टिकर बनाया और उसमें टेक्स्ट ऐड किया। तो दोस्तों, इन दोनों एप्लीकेशंस का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, यहीं तक थी ये वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना और इसी तरह की और वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस साथ वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।